बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इन केस ऑफ डायोड वी हैव टू यूज वन पी टाइप एंड एन टाइप। एक पी टाइप होगा और दूसरा एन टाइप होगा। दोनों को जोड़ोगे एक जंक्शन तैयार होगा, ठीक है, एक ये डिवाइस तैयार होगा जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है बाइपोलर जंक्शन, जंक्शन तो यहां पर भी था लेकिन ये बाइपोलर नहीं है, ये बाइपोलर नहीं है, ये आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है। यहां पर आप एक प्रकार से ट्रायोड पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? ट्रायोड। डायोड का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? मतलब एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। ट्रायोड में ट्राई, ट्राई का मतलब कितना होता है? तीन। तो इसमें तीन है, इसका मतलब आपको दो पी टाइप और एन टाइप, एक एन टाइप जोड़ना है या तो दो एन टाइप के साथ में एक पी टाइप जोड़ना है। तो यहां पर कभी भी दो पी टाइप को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा और यहां पर दो एन टाइप को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यहां पर करना पड़ेगा सैंडविच सिस्टम। सैंडविच ही बोलते हैं उसको, इसका डेफिनेशन ही सैंडविच। तो वर्ड यूज किया जाता है व्हेन, व्हेन, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड एज PNP transistor. Then it is called as PNP transistor. When P-type semiconductor is sandwiched between two N-type semiconductor, then it is called as NPN transistor. ये उसका definition होता है। इसलिए मैंने word use किया sandwich. तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जैसे PNP की अगर बात करेंगे, तो दो P-type और एक N-type है। ठीक है, कितने जंक्शन बने यहां पर? दो। ये हो गया पीएन जंक्शन और ये हो गया एनपी जंक्शन। यहां पर क्या है? एनपी जंक्शन और यहां पर है पीएन जंक्शन। तो आपको एक दो दो जंक्शन मिले हैं बाइपोलर जंक्शन। इन दिस जैसे मैं यहां पर सिर्फ पीएनपी की अभी बात करूंगा, जैसा पीएनपी में होगा वैसा ही पूरा एनपीएन में होगा। तो जैसे मैं यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो आपको अभी डायग्राम बनाकर दिया था। यहां पर हमने दिखाया था पी टाइप, यहां दिखाया था एन टाइप और यहां दिखाया था पी टाइप। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप, ठीक है। इसमें आप लोग देखो स्पेस इक्वल नहीं है। या पहला जो पी टाइप होता है, पहला जो पी टाइप होता है इसको हम लोग यहां पर कहते हैं इमिटर। क्या कहते हैं इसको? इमिटर। ये जो सेंटर पे होता है, बीच में जो होता है उसको हम लोग यहां पर कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो होता है इसको हम लोग यहां पर कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर साइज बड़ा होगा, ठीक है, और बेस साइज सबसे छोटा होगा, और जो इमिटर साइज होगा वो इंटरमीडिएट होगा, मतलब बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर दिखाया, और पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, होल्स यहाँ पर हमने दिखाया, ठीक है। और इस पी टाइप में भी मेजॉरिटी कौन होंगे, होल्स ही होंगे, और इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पर साइज बड़ा है लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस मैंने कम दिखाया देन द इमीटर, इमीटर का साइज छोटा है लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर ज्यादा है, मतलब होल्स ज्यादा है यहाँ। रीजन ये कि जब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का कैलिब्रेशन किया जाता है, बराबर है, उस वक्त इमीटर को हेविली डोप्ड बनाया जाता है, इसका डोपिंग हेवी डोप्ड होता है, मतलब ये जो पी टाइप जब बनाएंगे तो उसमें जो डोपिंग होगा, डोपिंग मतलब एक्स्ट्रा एडिशन जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। ये भी पी टाइप है, ये भी पी टाइप है, मतलब यहां पर जितने होल्स है उतने होल्स यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर आप लोग देखोगे तो होल्स इमिटर से कम दिख रहे हैं, इसका मतलब कलेक्टर जो है वो भी पी टाइप है, लेकिन वहां पर जो डोपिंग होगा वो इससे कम होगा, ठीक है। और आप थोड़ी देर के लिए बेस की तरफ अगर देखोगे तो बेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप, मतलब दोनों पी टाइप से कम ही है, इसका मतलब सबसे कम डोपिंग जो है वो बेस का होता है, मतलब यहां पर हम लोग इसको कहेंगे इट इज लाइटली डोप्ड। सो इमिटर इज हेविली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड, और कलेक्टर जो है वो बेस से ज्यादा और इमिटर से कम, एंड इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएटली डोप्ड। इट इज इंटरमीडिएटली डोप्ड। तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होता है, इमिटर में, सबसे कम डोपिंग किसका होता है, बेस, और इंटरमीडिएट किसका होता है, कलेक्टर का। लेकिन कलेक्टर का साइज बड़ा है, तो कलेक्टर का साइज बड़ा रहने का कारण क्या है, तो जब इसका इसको जब मतलब उसको हम कहते हैं बायसिंग, बायसिंग मतलब एक्सटर्नल कनेक्शन जो होता है, जब इसका कनेक्शन किया जाएगा, जब इसका एक्शन पढ़ा जाएगा, एक्शन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर जब पढ़ा जाएगा, तो उस वक्त ये जो पहला है पीएन जो है, ये जो जंक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन मतलब शुरू का, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, शुरू का जो है जंक्शन, यहाँ पर बाइपोलर है ना, ये एक जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन हो गया, तो ये जो पीएन होगा पहला जो होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा, कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, और उसके बाद का जो है वो किस में रहेगा, रिवर्स बायस, मतलब इन दोनों को फॉरवर्ड बायस में लगा दिया जाएगा और इन दोनों को रिवर्स में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में इसको लगा रहा है, इसका मतलब ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे और ये बेस कहां पर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपल करेंगे, रिपल करने के बाद में ये कहां पर एंटर करेंगे, एन टाइप में करेंगे, एन टाइप में, लेकिन एन टाइप में कितने हैं यहाँ पर, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर टोटल कितने हैं पॉजिटिव होल्स, होल्स कितने यहाँ पर, नौ हैं, ये पूरे नौ यहाँ पर चले जाएंगे, उसमें से तीन पॉजिटिव जो है, मतलब तीन होल्स जो है, ये तीन इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन होंगे, और रिकम्बाइन होने से यहाँ पर बचे कितने, छह, और ये छह जो है वो कहाँ पर एंटर करेंगे, कलेक्टर में, अब कलेक्टर के पास ऑलरेडी कितने थे, छह, अब छह आगे मतलब कितने हो गए, बारह, अब बारह के लिए स्पेस ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका साइज बड़ा है। उसके बाद में फिर यहां से करंट फ्लो होगा जो कलेक्टर करंट कहलाएगा, क्या कौन सा करंट कहलाएगा, कलेक्टर करंट, यहां पर जो करंट होगा वो इमिटर करंट होगा, यहां पर जो करंट होगा वो बेस करंट होगा, और यहां पर जो करंट होगा वो कलेक्टर करंट, ठीक है। नाउ अब इसका सिंबल कैसा होगा, जैसे डायोड को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक लाइन ऐसा खींच लेते हैं, पी टाइप और ये क्या हुआ, एन टाइप, और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, जैसे सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल ऑफ ट्रायोड, दैट मींस सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का सिंबल इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ पर सर्कल बताना है, ठीक है। सर्कल बताने के बाद में यहाँ पर एक लाइन खींचो, तो ये
बेस का काम करेगा, इसका काम करेगा बेस, मतलब ये बेस होगा, ये लाइन जो है तो बेस को दिखाएगा। अब बेस के लेफ्ट साइड में है इमिटर और राइट साइड में है कलेक्टर, तो यहां से एक लाइन इधर दिखा दो और यहां से दूसरा लाइन इधर दिखा दो। नाउ दिस इज द इमिटर एंड दिस इज द कलेक्टर। अब इसका बायसिंग करना है, समझे? दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी पीएनपी और एनपीएन डिसाइड नहीं हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर ओनली, ये ट्रांजिस्टर है। आप पहचानेंगे कैसे कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है? तो करंट होल से इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, तो अगर मैं एरो इधर दिखाता हूं, एरो सिर्फ यहीं पर दिखाया जाता है, यहां पर नहीं दिखाया जाता है। एरो अगर मैंने ऐसा दिखाया तो करंट होल से किधर जाता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये इमिटर है तो इमिटर से बेस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इमिटर हो गया पी और बेस हो गया एन, मतलब ये पी हो गया तो ये क्या हुआ एन, अगर ये एन है तो डेफिनेटली ये क्या होगा पी, एन तो होगा ही, मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया। अगर समझ लो एरो इधर दिया है तो एरो इमिटर के तरफ जा रहा है, इमिटर के तरफ जा रहा है इसका मतलब इमिटर में इलेक्ट्रॉन्स है, इमिटर में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इमिटर कौन है एन, तो ऑब्वियसली ये कौन सा होगा पी, तो ये कौन सा होगा एन, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा एन, सॉरी एनपी, समझे? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार से, मतलब बेस हो गया एन टाइप, ठीक है, इमिटर हो गया पी टाइप और कलेक्टर हो गया पी टाइप। तो ये एरो जो है ये एरो बताएगा कि वो पीएनपी है कि एनपी है। एरो यहां पर नहीं दिखाया जाता है, सिंबॉलिकली एरो जो होगा वो यहीं पर दिखाया जाएगा, इसी से पहचान होगा कि वो पीएनपी है कि एनपी है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। हाउ टू कनेक्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं या इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे this is PNP, that means this is emitter, this is base and this is collector, this is emitter, base and collector, heavily doped is emitter, lightly doped is base and intermediately doped is collector। तो इसका बायसिंग इस प्रकार से होगा, बना दिए बॉक्स, जुड़ गए ये तीनों, इमिटर बेस कलेक्टर। यहाँ एक हम लोग बैटरी लगाएंगे, तो ये दोनों मतलब ये शुरू के जो होते हैं, ये जो जंक्शन होता है ये कनेक्ट किसके साथ में होता है, फॉरवर्ड बायस में होगा ये, फॉरवर्ड बायस इसका मतलब अब ये पीएनपी है, इसका मतलब यहाँ पर होल्स है, तो होल्स है इसका मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा so it is in forward bias। ठीक है, now collector and base, यहां पर ये base हो गया ये collector हो गया, ये दोनों reverse bias में होते हैं, इसमें होते हैं reverse bias, reverse bias इसका मतलब positive जुड़ेगा negative के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव ये करेगा पॉजिटिव, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल ज्यादा बताना क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये हाई नेगेटिव अगर पोलैरिटी है तो ही यहाँ पर करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा सेल का यूज करना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसमें इमिटर बेस इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस इज इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बायस,
बेस कलेक्टर नहीं बोलना, कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बायस। ये पॉजिटिव है, कन्वेंशनल करंट सीधा ऐसा बता दो, समझे? सीधा मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये पॉजिटिव है, कहीं नहीं देखा, सीधा यहां से घुमा दिया, ठीक है। अब बचा कहां पर? इस लाइन में। तो ये क्या है? निगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव, बस ऐसा बना देना। ये हो गया आपका डायग्राम, सर्किट का डायग्राम, ठीक है। यही अगर एनपीएन होगा, यही अगर एनपीएन है, तो फिर आपको पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए फॉर अ मोमेंट, अगर ये सॉरी एनपीएन है, एनपीएन है, देखो यहाँ पर क्या होगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, यहां पॉजिटिव आएंगे। देखो फॉरवर्ड बायस में रखना है, यहां पे फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब ये निगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इसको रिवर्स बायस में रखना है, तो ये निगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और एरो कैसा होगा? अब यहां पर देखो, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, ठीक। दिस इज पॉजिटिव, तो फ्लो को नीचे करना पड़ेगा, बन गया, ठीक है। तो आप पीएनपी हो या एनपीएन हो, उसको फॉरवर्ड रिवर्स बायस में, मतलब इसका बायसिंग कर सकते हो, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना सकते हो। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखना, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, पहला जो रहेगा वो फॉरवर्ड में ही होना चाहिए और दूसरा जो रहेगा वो हमेशा रिवर्स में ही होना चाहिए। चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, जैसे यहाँ पर पहले होल्स थे तो वो बेस में जा रहे थे, ठीक है, बेस में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कहां पर जा रहे हैं? बेस में। मतलब यहां पर ये जो तीन पॉजिटिव है, ये तीन निगेटिव के साथ में रिकम्बाइन होंगे और रिकम्बाइन होने के बाद यहां पर बचे कितने? फिर सिक्स। ये छह कहां पर जाएंगे? कलेक्टर में। कलेक्टर में टोटल कितने हो गए? 12। और इस प्रकार से करंट फ्लो होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। और पीएनपी में हमने देखा था कि यहाँ पर होल्स 12 हो गए थे, और एनपीएन में देख रहे हैं यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और इस प्रकार से करंट यहाँ पर फ्लो होगा। लेकिन इमिटर करंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हेविली डोप्ड कौन होता है? इमिटर। तो इमिटर, अब यहाँ पर देखो ना, ये कितने हो गए? कलेक्टर में कितने चार्जेस दिख रहे हैं? 6। और इसमें कितने दिख रहे हैं? बेस में 3। कितने हो गए टोटल? 9। अकेले इमिटर में ही है, ठीक है। मतलब इमिटर करंट सबसे ज्यादा होता है, इट इज नियरली इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। मतलब बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट अगर करोगे तो क्या मिलेगा? इमिटर करंट मिलेगा। लेकिन बेस लाइटली डोप्ड होने के कारण बेस में से जो करंट पास होगा उसको हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, और जिसके कारण ये जो आईसी होगा वो किसके अप्रोक्सीमेट होगा? आईसी जो है किसके अप्रोक्सीमेट होगा? आईपी। मतलब कलेक्टर करंट जो रहेगा वो कलेक्टर करंट नियर अबाउट किसके बराबर करेगा? इमिटर करंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने अजम्पशन लिया है आईबी इज नियरली इक्वल टू जीरो, लेकिन करंट होता है वो, लेकिन करंट काफी कम होने के कारण हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं, तो जिससे हमको मिलता है आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। इक्वल टू नहीं लिखा हमने, अप्रोक्सीमेट साइन दिया है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर है? कोई डाउट है?